फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। भजनपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क के गली नंबर 7 के अंदर दो लोगों पर चलाई गोली, एक की मौत एक घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि भजनपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष बिहार की है, जो गली नंबर 8 के पास गली नंबर 7 में दो कि 4 से 5 आरोपियों ने दो व्यक्तियों पर गोली चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई। इसकी उम्र 36 साल है, नाम हरप्रीत गिल है और वहीं उसके मामा गोविंद को भी गोली लगी, जहां गोविंद की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। वहीं भजनपुरा थाने ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ एक माया गैंग भी इसमें सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। जबकि ये वो माया गैंग है जो कि नाबालिग थे, इसमें 14 साल का एक लड़का था जिसने पहले वारदात की थी, वो अब बालिक हो गए। अब वो अपनी दहशत फैलाने के लिए क्षेत्र में आए दिन फायरिंग भी करते रहते हैं। बहरहाल पुलिस का कहना है कि शाम तक इसको हम पूरी तरह से वर्कआउट कर लेंगे और उसके बाद आगे हम बताएंगे। इस पर हमने पीड़ित परिवार से हमने बात की तो उनका कहना था कि जो मृतक जो अमेजन के अंदर सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे था, उसको पहले भी 4 अवार्ड मिल चुके हैं और एक अभी 2 तारीख के आसपास उन्हें एक 5वां अवार्ड भी मिलना था, मगर उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। सुने DCP डॉक्टर जॉय एंड टिर्की की बाइट। नीचे कर लो यार, नीचे या नीचे या। कल रात में 12:45 के आसपास, एग्जैक्ट मेरी कल 11:40 के आसपास का होगा, 11:53 की कॉल है, 12:45 के आसपास एक ये घटना हुई है। हमारे गली नंबर 8 बोलते हैं इसको हम लोग, भजनपुरा गली के भी अंदर एक छोटी गली, उसको 4 नंबर बोलते हैं। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ है कि एक मोटरसाइकिल पे दो हमारे ये विक्टिम जा रहे थे, एक गोविंद साहब है एक हरप्रीत साहब, तो दोनों मामा भांजा भी हैं। और अभी तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में जो सामने निकल कर आया कि करीब 4-5 लड़के थे और 2 2-व्हीलर पे थे, जिसमें एक स्कूटी है एक मोटरसाइकिल है, जो विक्टिम थे ये एक मोटरसाइकिल पे थे और इनकी कुछ कहासुनी हुई है, मतलब ये हम लोग तहकीकात करें, स्टिल टू अर्ली टू पुट अ मोटिव टू इट और यू नो एग्जैक्ट रीज़न क्या रहा होगा वो अभी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। पर अपेरेंटली ऐसा हुआ चंद मिनटों में जो भी हुआ कि फायरिंग हुई और जो हरप्रीत साहब है उनके सिर पे पीछे की तरफ से पॉइंट ब्लैंक फायर है और गोली आर पार उनके सिर से आर पार हो गई एंड ही कोलैप्स। और जो उनके जो मामा हैं जो कि उम्र में उनसे 3-4 साल छोटे हैं गोविंद साहब, उनको भी एक सिर पे गनशॉट इंजरी है, बट ही स्टेबल। रात में मैंने खुद उनसे बात की थी, ही वॉज शिफ्टेड टू हायर मेडिकल सेंटर LNJP। प्रोफाइल क्या है मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक जो तफ्तीश में निकल कर आया है कि हम लोग सारा CCTV वहाँ का स्कैन कर रहे हैं और जितना हमने गोविंद साहब से भी जितनी बात की है उससे हम लोग जो आगे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग कोई एंगल इस तरह का रूल आउट नहीं कर रहे हैं, पर रॉबरी एज अ मोटिव हैज़ बीन ब्रॉडली रूल्ड आउट। बाकी चीज़ें हम लोग सारे एंगल खोल के कर रहे हैं, हमारी 6 टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है शाम तक हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। वी आर वर्किंग ऑन सम सस्पेक्ट्स। माया गैंग का देखिए मैं अभी कोई नाम नहीं लूँगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फैमिली ने कुछ बताया सर? देखिए फैमिली तो खुद ही परेशान है, पर वो कह रहे हैं कि जो कोई एनिमिटी किसी के साथ नहीं था और इसमें जो डेथ हो गई है हरप्रीत जी की, तो ही वॉज एज 36 ईयर्स और पता लगा है कि वो अमेजन में मैनेजर थे और जो जो उनके जो मामा थे गोविंद जी वो कोई एक वो ईटरी चलाते हैं यहाँ पे। सर एक CCTV में फुटेज भी सामने आया है सर, जिसमें स्कूटी पे दो CCTV हम लोग सारे के सारे स्कैन कर रहे हैं, ना सिर्फ स्पॉट की बल्कि आगे पीछे की भी सारी, तो उसके बिना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को जल्दी से जल्दी। रात में क्या कह रहे हैं, निकले थे घर पे, कहाँ जा रहे हैं रात में ये लोग? सर विक्टिम में किसी का कोई क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं? नहीं अभी तक ऐसा कुछ। सर रात में कहाँ निकले थे सर घर पे, क्या बोल के निकले, कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों घूमने ही निकले थे एग्जैक्टली, तो अब हम लोग क्योंकि वो मेडिकली बहुत फिट नहीं है गोविंद साहब, पर जितना उन्होंने बताया कि 18-19 साल के लड़के थे और अचानक से फायरिंग शुरू कर दिया, कोई इस तरह का मोटिव। सर क्या आरोपियों की पहचान हो गई है? इट इज़ सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ, थोड़े मेरे को कुछ घंटों का समय। सर इलाके के लोगों का कहना है उस गली में अवैध शराब मिलती है कई सालों से, वो भी क्या एक कारण हो सकता है या कोई गैंग किसी माया गैंग का काम है? मैं इस समय कोई भी इसमें रीज़न एट्रीब्यूट नहीं करूँगा, कोई मोटिव इस समय कहना, कुछ ही घंटे पहले ये हुआ है, मेरे को एक दिन का समय दीजिए, आई एम श्योर शाम तक मैं आप लोग को विस्तार से सारा कुछ बता दूँगा। ठीक है।
आपके बेटे की किसी कोई दुश्मनी नहीं, कोई अब पुलिस का क्या कहना है? नाम बता दीजिए अपना। मेरा अक्षय नाम। हरप्रीत सिंह कौन है आपके? मेरे भांजे। क्या हुआ था आंधी साहब? बस यहाँ आए, उसके संजू के साथ आए थे, अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे उनके सर पे गोली मार दी, फिर जीरो पुस्ते ले गए तो वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब मोर्चरी में है जी। अच्छा, और दूसरा जो था वो कौन था? वो मेरे चाचा का लड़का है। अच्छा, उसकी भी गोली लगी हुई है? हाँ, उसके सर पे लगी, पर वो ठीक ठाक है। अच्छा। बोल रहा है, चल फिर रहा है बड़े। क्या कारण था, कौन थे लोग? पता नहीं जी कौन थे, ना उसका किसी से लड़ाई झगड़ा, ना कुछ कुछ भी नहीं था। अमेजोन में वो ATL था। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम असदुल्ला है। असद जी, क्या वारदात की और कितने लोग? ये सर लगभग 11:15-11:30 के लगभग की वारदात है। मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई, मुझे भी, ये मेरा घर है, और फायर की आवाज़ आई, तेज देर से धमाका होता है, तो मेरी मिसेज ने जो देखा तो 3-4 लड़के इस गली से भागे, और वो लड़का यहाँ बेचारा नीचे पड़ा हुआ था, उसके साथ एक लड़का और है, और वो भी घायल है, इंजर्ड है वो भी, तो वो बेचारा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि भाई कोई कॉल करो भाई, जल्दी कर दो। सबसे पहली कॉल 100 नंबर को मैंने करी, उसके बाद 2-3 जनों ने और करी। नाम बता दीजिए आप। मृतक क्या, आप क्या लगते हैं मृतक? हम न्याय चाहते हैं कि जिन बंदों ने मेरे भतीजे को मारे उनको ना फांसी होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मेरा भतीजा अम्मा जो कंपनी में लगा था, सुबह जाता था, रात को आता था, बेमतलब पे मारे उसको, बेमतलब पे। हम न्याय चाहते हैं, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं।